बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। कैंडल वैक्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए, और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आखिर सोच क्या रहे हैं इस वक्त की, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट प्रॉब्लम्स, उनकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर उनकी रिलेशनशिप को लेकर जो सोच है उसे हम जो है आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो गाइज, हो जाइए पॉजिटिव एनर्जी में, अच्छा सोचिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, उनके नाम को याद कीजिए, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए, क्योंकि यादें ही वो चीज़ होती है जो इंसान अपने साथ लेकर चलता है। भले ही इंसान साथ हो ना हो, है ना, भले ही इंसान को हम छू ना सके, भले ही इंसान को हम देख ना सके, है ना, पर यादें ऐसी होती है जिसे इंसान कभी भी मिटा नहीं सकता। ये इंसान के मरने के बाद ही जाता है, अपने साथ ही जाता है। तो बहुत ही पवित्र जो है एक रिश्ता होता है यादों का और इंसान का। तो इसी यादों को लेकर आप प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने पर्सन के साथ बिताए हुए तमाम हंसी मजाक वाले जो पल थे उन्हें आप याद कीजिएगा। इस तो चलिए इतना कहते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग। यूनिवर्स, इस रीडिंग पर अपनी कृपा बरसाइए, हमें बताइए कि ये व्यक्ति आखिर सोच क्या रहे हैं इस वक्त। इनकी स्वच्छ, इनकी पवित्र भावना हमें जाननी है। दो दो बूंदे दोनों ही तरफ गिरी है और एक बूंद में आकर जो है तीसरा ड्रॉप आकर जो है इसमें लिपट गया है। इस व्यक्ति की सोच में दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जिसे ये अपना बनाना चाह रहे हैं, पर जिस ढंग से यहाँ पर तीसरा ड्रॉप आकर चिपका है, जो किसी न किसी तीसरे व्यक्ति या तीसरे पक्ष या तीसरे समस्या को दिखाता है, जो आकर हावी हुआ है इस रिलेशनशिप में। पहले मैंने देखा दो दो ड्रॉप थे, बाद में आकर तीसरा एक ड्रॉप आकर एक रिलेशनशिप में आकर जो है वो बैठ गया। साफ साफ दिख रहा है किसी को तो नागवार गुजरा है ये रिश्ता, पर आपके पर्सन की सोच में एक व्यक्तित्व झलका है, एक इंसान दिखा है जिसके साथ ये अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, जिसे ये व्यक्ति अपना बनाना चाहते हैं। बहुत ही हक मानता है, हक जताना चाहता है आप पर। आप इसे वो हक दो ना दो, पर इस व्यक्ति को लगता है कि आपको अपना बनाना और आप पर हक इनका जो है अधिकार है, अधिकार की बात है। ये व्यक्ति हर पल यही सोचता है कि आपके साथ हर दुख सुख को बांटना है। इसका मन होता है कि सारी हदें पार करे, हद से गुजर जाए, पर कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता बन जाए जो आप दोनों को करीब लेकर आ सके। अल्फाबेट वी नजर आया है, अल्फाबेट वाई नजर आया है, अल्फाबेट डी नजर आया है, अल्फाबेट एस नजर आया है। कितनी ख्वाहिशें दिखती है गाइज इस व्यक्ति के दिमाग में, ना आपको लेकर बहुत सारी ख्वाहिशें नजर आती है, और सिर्फ ख्वाहिशें नहीं है, उन ख्वाहिशों को पूरा करने का
एक निर्णय भी नजर आता है, फैसला भी नजर आता है। इनसे पहले आपके जीवन में भले ही कोई था या नहीं था, इस व्यक्ति को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इसे बस ये दिखता है कि अभी अभी ये व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ अपने आप को देखना चाह रहा है। हर पल ये व्यक्ति यही सोच रहा है कि किसी और का हक नहीं होना चाहिए, किसी और के साथ घर नहीं बसना चाहिए, किसी और का होकर वो व्यक्ति कभी मुझसे दूर ना हो, उस पर अगर हक हो तो सिर्फ मेरा हो। इस तरीके का जो है बहुत ही लाउड एंड क्लियर जो मैसेज कहते हैं ना, वो मैसेज यहाँ पर दिखा है मुझे। बहुत लाउड एंड बहुत सच्चाई के साथ ये व्यक्ति सोचता है कि उनके पास से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास से उनका कोई लेना देना नहीं है, अभी वर्तमान में जो है बस मैं ही मैं होना चाहिए। इस तरीके का जो है एक क्या कहते हैं ऐसे इंसान को गाइस, घर बसाने की ख्वाहिश से आपके साथ आपके जीवन का आखिरी व्यक्ति बनना चाहते हैं ये व्यक्ति। कहीं ना कहीं आप जब से नहीं हो बहुत अपसेट समझते हो गाइस, अपसेट। कहीं ना कहीं किसी चीज में मन नहीं लगना, एक उदासी पूर्ण जिंदगी या अधूरापन, संख्या नंबर 9 दिखा है यहां पर, नंबर 9। हर मायने में प्यार झलकता है इनके अंदर, इनकी सोच में, हर मायने में। एक कदम बढ़ाता हुआ व्यक्ति, अब आपको मैं कैसे दिखाऊं, यहाँ पर आपको अगर देखोगे तो एक जो है स्टेप लेता हुआ एक आदमी है, जो इसका एक पैर आगे की तरफ है बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखोगे, लाइट की वजह से शायद दिख नहीं रहा है और मैंने हिलाया तो ये तस्वीर टूट जाएगा। एक पैर पीछे की तरफ, मतलब जैसे कि कोई दौड़ रहा हो, जैसे कि कोई आगे बढ़ रहा हो, कदम बढ़ाने को ये व्यक्ति तैयार नजर आता है, जैसे कि स्टेप ले चुका है, जैसे कि मन बना चुका है आगे बढ़ने का। हर बार इसका मन पिघला है आपको देखकर, हर बार ये नहीं खुद को रोक पाता। आपका चेहरा अगर इसके सामने आ गया किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से, ये व्यक्ति ऐसे पिघलता है जैसे कि बिल्कुल इसी मोम की तरह, जैसे कि मोम और जो है इस आग का जो रिश्ता होता है ना, कि एक दूसरे के सामने टिक नहीं पाते, बिल्कुल वैसा ही हाल इस व्यक्ति का हो जाता है जब ये व्यक्ति, इसको आपके दर्शन एक बार हो जाए कहीं पर भी। जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल साक्षात मिले हो या बिल्कुल आप इनके सामने हो, नहीं, तस्वीर भी काफ़ी है इस व्यक्ति को पिघलाने के लिए। इस तरीके का जज्बात रखता है ये आपके लिए, सब कुछ भूल जाता है ये व्यक्ति, गलत भूल जाता है, सही भूल जाता है, अच्छा बुरा इसे कुछ याद नहीं रहता।
कहीं ना कहीं मैं आज जो है सोच की रीडिंग कर रही हूँ, थिंकिंग की रीडिंग कर रही हूँ, और इनकी सोच मुझे सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं लगती। आप तो वो हो जो दिल और दिमाग दोनों में ही बसे हुए नजर आते हो। हर पल ये व्यक्ति यही सोचता है कि मानो आप इनकी पूरी दुनिया हो। और अपनी इस दुनिया को ये व्यक्ति गलती से भी मिटाना नहीं चाहता, गलती से भी ये व्यक्ति भूलना नहीं चाहता। इतना तक मैं आपसे कह दूं कि सुबह की पहली किरण के साथ जो सोच होती है ना, जो ख्याल आता है ना, वो भी आपका ही दिखा है यहाँ पर। आप जानते हो गाइज, आप इस व्यक्ति के लिए क्या हो। जैसा इसने सोचा था ना, जैसा अपने पार्टनर की इस व्यक्ति ने हमेशा कल्पना की थी ना, वो तस्वीर हो आप। कि जैसा मैंने चाहा था, मैंने जैसा पार्टनर मैंने सोचा था, कल्पना की थी, बिल्कुल उसकी हूबहू तस्वीर जो है तुम हो, तुम में है वो चीजें। इस व्यक्ति का दिल का हर एक कोना मुझे जो है आपके ख्यालों में दिख रहा है। खुशी का मतलब आप हो, इस व्यक्ति की हंसी का मतलब आप हो, इस व्यक्ति के गम का मतलब भी आप ही हो। गम का मतलब इसलिए हो आप क्योंकि आप नहीं हो साथ में। हर रोज जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को ये व्यक्ति मांगना चाहता है, वो दुआ भी आप ही हो गाइस। इस व्यक्ति के लिए तो रोना भी, जो रोता है ना ये व्यक्ति, इसके लिए तो ये रोना भी जो है प्यार ही है आपके लिए। मतलब आंसू भी बहेंगे ना तो आपकी यादों में बहेंगे। इसे आप प्यार नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे। हर पल सोचते हैं, हर पल सोचते हैं ये आपके बारे में। बिल्कुल खामोश सुनी सी हो गई है इनकी जिंदगी। आपको वक्त देना चाह रहे हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहे हैं, आपके साथ बातें, ढेर सारी बातें करना ये व्यक्ति चाह रहे हैं। आपको मनाना चाह रहे हैं। नहीं दे पाएंगे अपना दिल किसी और को आपके सिवा, क्योंकि जानता है ये कि इनका दिल किसी और का हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि
जिंदगी नहीं चल रही, जिंदगी चल रही है, वैसे ही चल रही है इस वक्त की जिंदगी, जैसे कि दिन ढलता है, रात होती है, और रात जाती है तो फिर सुबह होती है। वो एक जीवन का एक दिनचर्या होता है, डे टू डे का जो है एक निरंतर होने वाला कार्य होता है, वो तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर अगर हर पल, वो कहते हैं ना कि दिन के ढलने पर भी किसी की याद आए, रात होने पर भी किसी की याद आए, फिर सुबह की किरणों के साथ भी किसी की याद आए, तो अब आप खुद सोच लो कि यादें कितनी गहरी हैं। जब तक आपसे इस व्यक्ति की बात नहीं होगी ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरेपन में ही जीता चला जाएगा। ये व्यक्ति इस तरीके से कहीं ना कहीं ख्वाहिश से है, कभी कभी सांसें तक अटक जाती है इस व्यक्ति की, इतना इस व्यक्ति को ना वो उलझन, झुंझलाहट, सफोकेशन, जो एक शब्द है मैं जो बार बार प्रयोग करती हूँ, दम का घुटना, बहुत बार इस व्यक्ति ने ऐसा महसूस किया है। जब यादें हद से ज़्यादा होती है, जब आपका प्यार या आपकी यादें ओवर इसको कंट्रोल कर लेती है, ढक जाता है ये व्यक्ति, टोटली ब्लैंक हो जाता है, सांसें तक अटकने की जो है नौबत कई बार हुई है इस व्यक्ति की। आपको सोचे बिना ये व्यक्ति सोया है कभी, ऐसी एक रात नहीं बीती है गाइस, एक पल नहीं बीता है। अल्फाबेट आर, अल्फाबेट सी, जैसे कभी सोचा होगा, ख्यालों में सोचा होगा या इमेजिनेशन में तस्वीर कभी बनाई होगी कि मेरा जो जीवन है वो ऐसे व्यक्ति के साथ बीते, ऐसा पार्टनर मेरा होना चाहिए, वो ख्वाब और ख्याल बिल्कुल आप उसकी ही तस्वीर हो। आप वो हो ना जिसके बिना इनका दिल नहीं भरता, दिल नहीं लगता, जिसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, आप वो हो। लाख झगड़े, लाख दूरियां, कुछ भी हो जाए, आप में वो सुकून है, जो सुकून शायद ही इस व्यक्ति को नसीब हो कभी, जिसके बिना एक पल रहा नहीं जाता था, जिस व्यक्ति से एक सेकंड, जिसे देखे बिना, जिसे बात किए बिना पल नहीं गुजरते, आज उसी व्यक्ति से इतना दूर होने का तो अफसोस है ही। वो पल कैसे ये काट रहा है, ये बहुत अजीब है। कितना स्ट्रांग इसने अपने आप को बना रखा है, कितना हर किसी को पसंद कर ले या हर किसी पर मर मिटे, ऐसा व्यक्ति तो नजर नहीं आता। ये बहुत समझदार मानता है ये आपको, आपके अंदर थोड़ा सा इसे पागलपन भी दिखता है, बचपना भी दिखता है, आप इनकी परेशानी भी दिखते हो मुझे, आप इनका प्यार भी दिखते हो मुझे, क्योंकि आपको लेकर ही परेशान है और आपसे ही प्यार है।
नंबर थ्री यादों में भी आपका साथ लेकर चल रहा है ये व्यक्ति गाइस। बुरे वक्त को ना, अभी जो बुरा वक्त इनका चल रहा है, देख रही हूँ कि फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रेस है इस व्यक्ति को, आर्थिक अवस्था से भी जूझ रहा है ये व्यक्ति, पर हर हालत जो भी है अभी उसमें भी जो है हंसकर काट रहा है अपना जीवन, या फिर मुस्कुराकर काटने की कोशिश कर रहा है अपना जीवन। उसके पीछे बस एक ताकत है, वो ताकत है आपकी यादें। इतना तो वह मैं डंगे की चोट पर आपसे कह रही हूँ कि आपकी यादों की बदौलत ही ये व्यक्ति अपना हर बुरा वक्त अभी संघर्ष के साथ काट रहा है। इतना स्ट्रांग मेमोरी है इस व्यक्ति का, इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप है आप दोनों का, रिलेशनशिप से भी ज़्यादा मेमोरी कहूँगी, कि ये जो यादें बनती है ना एक रिश्ते में, खट्टा मीठा, समझदारी वाला या बेवकूफ़ी वाला, लड़ाई वाला, झगड़े वाला, प्यार मोहब्बत वाला, एक रिश्ते में हर तरीके का रंग होता है ना, तो उन रंगों में जो यादें बुनी गई थी, उन यादों ने जो है अब इस व्यक्ति को थोड़ा सा ताकत दिया है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक स्पेशल महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और ये व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मेरे जीवन में भी एक बहुत स्पेशल पर्सन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेरे जीवन में भी, और वो व्यक्ति आपको देखता है। मेरी लाइफ में भी तो है एक ऐसा स्ट्रांग पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, स्पेशल है वो मेरे लिए, इस तरीके की सोच रखते हैं ये। हर जगह पर आप इनके लिए खास हो, आपसे बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपसे लड़ाई करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपसे प्रश्न करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब धड़ल्ले के साथ आपके साथ ये व्यक्ति अपनी मनमानी कर सकता है। इस तरीके का रिश्ता ये व्यक्ति आपके साथ महसूस करता है। बेझिझक कहते हैं ना कि बेझिझक होकर, मुझे बहुत कुछ कहने का मन था गाइस, पर आज कैंडल इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्योंकि आप इसे कभी ना जज नहीं करते कि रोया तो रोया क्यों, हंसा तो हंसा क्यों, आपने कभी इस व्यक्ति को जज किया ही नहीं, फैसला थोपा नहीं है, इस व्यक्ति को कभी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया है। आपसे वो इतनी ज़्यादा सहजता, कंफर्टेबल जिसे हम कहते हैं, वो महसूस करता है। आप इसके मूड के हिसाब से आप ढल जाते हो हमेशा। कई बार इस व्यक्ति का मूड जो बहुत बुरा रहा होगा, आपसे मिलने के बाद ठीक हुआ है, आपसे बातें करके ठीक हुआ है, आपके साथ नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा गाइस? क्योंकि आप इनके लिए वो व्यक्ति हो जो इनके जैसे, या इनके, हर इंसान की एक खोज होती है ना, उस खोज में आप फिट बैठते हो। तो जब इसे अपना मन मुताबिक पार्टनर मिल भी गया है तो इसकी तो खोज पूरी हुई, पर यहाँ पर जो मुझे दिखा था ना कि किसी और का चिपकना, किसी और का आना, किसी और का, दो लोग आराम से अपने प्यार की ज़िंदगी जी रहे थे, है ना, कुछ करने के लिए जो है आप दोनों तैयार थे, और वहीं पर आकर जो है शुरुआत में ही, रीडिंग की शुरुआत में ही थर्ड पार्टी की एंट्री दिखी थी मुझे कि कोई तो आकर चिपका है रिश्ते में, ज़बरदस्ती चिपका है। अच्छा लगता है इस व्यक्ति को दिन रात आपके बारे में सोचना। मन होता है इस व्यक्ति का कि आपको
साथ लेकर कहीं दूर चले जाए, एक अलग दुनिया बसाए। हर सूरत में, हर हाल में, हर जीवन के हर मोड़ में आपके साथ चलना चाहते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि और मुझे कुछ, क्योंकि कैंडल तो ख़त्म हो गई, जो इमेजेस यहाँ पर बने हैं बस मैं उसको भी मैं और ज़्यादा देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि आपको मैं कैसे दिखाऊं, यहां पर दो व्यक्ति दिखे हैं, देख लीजिए, बिल्कुल जैसे कि कोई यहां पर एक दूसरे को बिल्कुल रोमांस यहां पर है, और किस यहां पर देखे, बिल्कुल माउथ टू माउथ वाला किस यहां पर, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल, ये कोई बच्चों वाला किस नहीं है, ये बिल्कुल माउथ टू माउथ जो कहते हैं ना, वैसा किस यहां पर दो व्यक्ति एक दूसरे को कर रहे हैं। क्या आपको दिखा है गाइस, ये देख लीजिए, ये हेड का पोर्शन है, ये सर का पोर्शन है, और दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नज़दीकियां हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ही जिस्म जैसे बनकर दो व्यक्ति एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, डूबे हुए हैं एक दूसरे के अंदर, किस कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। ये इमेज यहाँ पर देखिए, आपको भी दिख गया होगा, इधर के इस तरफ की जो इमेज है वो फीमेल की है, और इधर का जो इमेज है वो मेल का है, देख लीजिए बनावट जो दिख रही है। शायद इस व्यक्ति का ये मन भी होता है आपको ऐसे ही किस करने का, आपके समीप आने का, आपके साथ नज़दीक बनाने का, बिल्कुल दूरी ना हो, गैप ना हो आप दोनों के बीच में। अगर आपको गैप दिखेगा तो ये जो गर्दन के बीच का जो पोर्शन है बस यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, वरना आपको जिस्म का कोई हिस्सा बिल्कुल भी जो है दूर नहीं नज़र आएगा। देख लीजिए, ये इसकी रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए। बहुत सारी तस्वीरें ऐसे बनती हैं गाइस, पर उसे ध्यान से देखने देखे टूट जाता है, मैं लेने की कोशिश करूँ ना तो ये बिखर जाता है। इस व्यक्ति को बाइक पसंद है गाइस, बाइक्स वगैरह चलाता है। देखो बिल्कुल क्लियर कट इमेज आई है, एक व्यक्ति है जो ये बाइक का, ये व्यक्ति है इंसान की तस्वीर, और नीचे देखिए आपको दो पहिया वाहन जिसे हम बाइक स्कूटर कहते हैं वो देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बाइक पर बैठकर आगे जाने की, पढ़ने की जो है तैयारी में है, देख लीजिए। राइडर हो सकता है ये व्यक्ति, राइड करना पसंद है, लड़की भी है तो शायद ये स्कूटी वगैरह चला लेती है। बिल्कुल क्लियर कट इमेज है, शायद आप इसके साथ बाइक में कई बार बैठकर आपने सफ़र भी तय किया है, आप घूमने गए हो, आपको पिकअप ड्रॉप करने आया करता होगा कभी। मुझे मन था कि मैं इसे भी देखूं, पर ये चिपका हुआ है इस कैंडल के साथ तो मैं इसे नहीं निकाल पा रही। माथे पर चूमना इस व्यक्ति को पसंद है क्या गाइस, ये देखिए, ये जो पिक्चर आई है ये माथे पर जो चुम्मा होता है, माथे पर जो किस किया जाता है, जिसे हम बहुत ही जिसमें प्यार झलकता है, माथे का किस हमेशा प्यार को दिखाता है, केयरिंग को दिखाता है। तो यहाँ पर एक इमेज ऐसी दिखी है कि सर पर, माथे पर जो है कोई किस कर रहा है। वाओ, ये रीडिंग तो आज ऐसी निकल कर आई है कि चलिए
चलिए गाइज, इससे ज़्यादा अब मुझसे नहीं होगा, मैं इसी पर गिव अप करती हूँ, ठीक है। जितना आपको समझ में आया है और जितना मैं देख पाई हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँ, पर कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी है, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी आपको दिखेगा। हो सकता है क्वेश्चन मार्क के साथ साथ ये एक जो है टैटू भी हो सकता है, एनाकोंडा जो हम कहते हैं ना। टैटू किया हुआ है इस व्यक्ति ने एनाकोंडा, इसी तरीके किसी स्नेक का, मुझे ऐसा ही दिखा है। अब पता नहीं आपको क्या दिखा है, अब पता नहीं, सभी के पोर्शन की तो ये एनर्जी होगी नहीं। यूनिकॉर्न भी दिखा है यहाँ पर, ये देख लीजिए यूनिकॉर्न। चलिए गाइस, इससे ज़्यादा मैं ख़राब नहीं करूँगी इस कैंडल को, तो चलिए अब कुछ क्लैरिफिकेशन हम टैरट से भी ले लेते हैं। ओके, हे गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए अब फटाफट से कुछ जानकारी हम टैरट से भी आपको देंगे, ताकि रीडिंग मजबूत हो, पक्की हो। कच्ची और आधी अधूरी रीडिंग मुझे तो नहीं पसंद, जल्दबाजी में निपटा लो और आधी अधूरी जानकारी आपको दे दो, ऐसा मुझसे तो कभी होता नहीं, इसीलिए रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है हमेशा मेरी, है ना। क्या सोच रहा है ये व्यक्ति। आपके ही बारे में सोच रहा है। देखिए, कोई ना वोटर आ गया है निकल कर। मैंने क्या कहा था आपसे कि ना, इसके लिए आप वो पिक्चर परफेक्ट वाला कपल हो, मतलब वो व्यक्ति जिसे इन्होंने ख्वाबों में कभी देखा होगा, जिसके लिए सपने इसने बुने होंगे कि मेरा पार्टनर हो। तो चाहे उसके अंदर शक्लो सूरत हो ना हो, वो बहुत उसके पास पैसे रुपए हो ना हो, उसके पास खूबसूरती हो ना हो, उसकी फिगर अच्छी हो ना हो, है ना, उसको बोलने का ढंग हो ना हो, बस ये व्यक्ति हमेशा यही चाहता था कि एक ऐसा पार्टनर मुझे मिले जिसमें प्यार की कभी कमी ना हो, जो भावनाओं से भरा हुआ हो, जो मेरी देखभाल करे, जो मुझे संवारे, जो मुझे सजाए, जो मुझे हमेशा अपने प्यार का एहसास करवाए, जो मेरे दुख में मेरे साथ हो, जो मेरे सुख में मेरे साथ हो, जो कभी मुझे प्यार करना छोड़े ही नहीं। तो इस व्यक्ति का जो एक सपना था ना, वो सपना आपसे देखे ऐसे जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने भी कभी कुछ और चीज़ों की चाहत नहीं की थी, इस व्यक्ति ने भी हमेशा प्यार की ही चाहत की थी, जो आपसे इसको मिला है और पूरा भी हुआ है, समझ रहे हो। पहला ही कार्ड किसके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तो देख लो कि ये किसके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है। ये आपके बारे में सोच रहा है और आपके प्यार के बारे में सोच रहा है और आपको अपना बना पाए इसके बारे में सोच रहा है। अब रानी से ज़रा कोई बड़ा होता है क्या गाइस? नहीं ना। तो रानी की तुलना में प्यार है यहाँ पर, इतना बड़ा जो है प्यार का सागर ये व्यक्ति आपके अंदर महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ वाटर, नाइन ऑफ वाटर, फिर से वाटर का कार्ड जो है आ गया। देखो, मैंने आपसे ये भी कहा था कि कैसे आपको अपना बनाएं, कैसे जो है आपके आपको अपना बनाया जा सकता है, इस बारे में ये व्यक्ति सोच रहा था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि दुआओं में तक जो है ये व्यक्ति आपकी कल्पना करता है, है ना। तो देखो, प्यार का ख़त्म होना या प्यार का कंप्लीशन जिसे हम कहते हैं ना, कि एंडिंग जिसे हम कहते हैं ना, आप ही हो इनके लिए। नाइन ऑफ वाटर मतलब विश फुलफिलमेंट इन लव, है ना, मेरे प्यार से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाए, मेरे प्यार से जुड़ी हुई जो भी रुकावट आ रही है वो हट जाए, मेरे और मेरे प्यार के बीच में जो भी समस्याएं खड़ी हो रही है वो खत्म हो जाए, मेरे जीवन में और कुछ मिले ना मिले, बस मेरे पर्सन का प्यार मुझे मिल जाए, है ना, उसी से जो है मेरा जीवन सुखमय तरीके से बीत सकता है, इसे मैं हासिल कर लूँ तो फिर मेरी जिंदगी में धन की कमी कभी नहीं होगी, है ना, मेरी जिंदगी में भावनाओं की कमी कभी नहीं होगी, मेरे जीवन में प्यार की कमी कभी नहीं होगी। तो ये व्यक्ति इस तरीके से अपने क्वीन ऑफ वाटर को ही अपने दुआओं में जो है मांग रहा है। नाइन ऑफ वाटर यानी कि आई वांट टू गेट फुलफिल्ड विथ लव, मैं बस प्यार से जो है भरना चाहता हूँ खुद को, मैं प्यार पाना चाहता हूँ खुद को, मेरे अंदर जो है प्यार के अलावा किसी और चीज़ को पाने की चाहत नहीं है, मुझे किसी और चीज़ की दरकार है भी नहीं, बस प्यार और प्यार करने वाला या प्यार करने वाली जो है मेरी झोली में डाल दो। इस व्यक्ति की सोच हमेशा इसी पर केंद्रित है।
ऑफ अर्थ और ये होता है बिगनिंग का कार्ड और बिगनिंग के साथ होता है वैल्यू का कार्ड। तो ये व्यक्ति भले ही ये व्यक्ति आज आपकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, भले ही ये व्यक्ति आज आपको ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा है, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो, तुम्हारी भूमिका मेरे जीवन में वो है जो भूमिका कोई और निभा नहीं सकता, भले ही ये व्यक्ति आपको ये अधिकार नहीं दे पाया, आपको इस अधिकार से वंचित रखा है, पर इसके सोच में अगर आप देखो तो आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे महान कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं। तो ये व्यक्ति जो है आपको वैल्यू देता है गाइस अपने जीवन में, है ना, अपने मन के अंदर आपको अधिकार देता है कि तुम जितना भी आकर जो है मेरे मन के अंदर तहलका मचा सकते हो, तुम मेरे मन के अंदर आकर जितना भी खेल सकते हो, तुम मेरे मन के अंदर आकर तुम जितने दिन रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, तुम्हारी वो वैल्यू है क्योंकि मैंने जो है तुम्हें अपने मन के अंदर सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। वो वैल्यू इस व्यक्ति को आपकी जो है पता है और ये व्यक्ति डेफिनेटली इसका कार्ड ही, इसका मतलब ही यही होता है कि जो मेरे जीवन में सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, जिसे मैं सबसे स्पेशल मानता हूँ, मुझे जो है उसी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मुझे और किसी के साथ लाइफ आगे नहीं बढ़ानी है। इस तरीके से ये व्यक्ति बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। मैं आज एक ही कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ। मैसेंजर ऑफ एयर, तो ये मैसेंजर ऑफ एयर का मतलब है जो भी सुस्ती है, जो भी लेजीनेस है, जो भी जितना भी अभी गतिरोध हुआ है ना, जितनी भी रास्ते में जितनी भी अब तक की रुकावट हुई है, जिसके वजह से ये व्यक्ति फास्ट मूवमेंट, फास्ट एक्शन, फास्ट डिसीजन आपके साथ नहीं ले पा रहे हैं, तो मैसेंजर ऑफ एयर का मतलब ये हर रुकावटों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक जल्दी पहुँच जाना है ना। जैसे कि अब इसे कोई रोकना चाहे तो भी ये रुकना नहीं चाहता, इस व्यक्ति को बस आपके साथ आपके करीब आना है। क्यों आना है? क्योंकि इस व्यक्ति का प्यार हो आप, इस व्यक्ति की दुआ हो आप, इस व्यक्ति के लिए आप सबसे बड़े हो, सबसे महान हो, क्योंकि आपने अपना जो प्यार है महान ही होता है। क्वीन ऑफ वाटर का मतलब महान प्यार होता है जो हर किसी के नसीब नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जिसने आपके प्यार को अनुभव किया है और ये व्यक्ति आपके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है, है ना, और ये व्यक्ति आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि जैसे कि हवा कभी दिखती नहीं है, वैसे भी मैं भी तुम्हारे हर पल करीब हूँ, पर तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, बस तुम मुझे महसूस कर सकते हो, पर मैं हर पल तुम्हारे करीब ही हूँ। मैसेंजर ऑफ एयर, हर्मिट, वाओ। तो हर्मिट बता रहा है कि देखो, एक बहुत बड़ा फासला है या अंतर है या एक गैप है बीच में, जहाँ पर एक व्यक्ति है जो मन से, दिल से, आत्मा से आपको पुकार रहा है, आपको चाह रहा है, आपको मांग रहा है, पर उसका ये जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति खुद अभी जो है हर्मिट में है। हर्मिट का मतलब होता है अपने आप को संभालने की कोशिश करना, अपने आप को जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करना। मन के अंदर इतनी ज़्यादा निराशा जो है उपज चुकी है, निराशा से ये व्यक्ति इतना ज़्यादा भर चुका है कि इस व्यक्ति को दुनिया की चकाचौंध तक जो है ना, दुनिया की रोशनी, दुनिया का जो चल रहा है, दुनिया का जो दस्तूर चल रहा है ना अभी, उसमें ये व्यक्ति अपने आप को फिट नहीं मानता। इस व्यक्ति के जीवन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अलग चल रहा है, अलग ही दुनिया में ये व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है, जहाँ पर कोई नहीं है इनके आस पास, ये बिल्कुल अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है। तो रुकावट यहाँ पर हर्मिट है, जिसने मतलब ये इसके खुद के द्वारा ब्लॉक की गई एनर्जी है ना, कि ये व्यक्ति खुद इतना ज़्यादा दुखी है कि ये व्यक्ति अब नहीं निकल पा रहा, इसने अपने आप को बिल्कुल रोक रखा है, है ना। पर अंदर ही जो है एक अच्छा चेंज भी हो रहा है, बदलाव भी आ रहा है, है ना। जितना धीमा होगा उतना ही सोचेगा, जितना फास्ट करेगा उतनी ही ज्यादा गलतियां हो जाएगी। तो ये व्यक्ति गलतियां नहीं करना चाह रहा, ये व्यक्ति सोच समझ कर जो है डिसीजंस ले रहा है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ, ईश्वर की ही जो है कृपा के साथ, ये व्यक्ति अपने आप को सुधार रहा है। जहां जहां सुधार की जरूरत है, जहां जहां पर चेंज की जरूरत, आवश्यकता है, जहां पर चीजें बन नहीं पा रही है, बनाने की जरूरत है, तो वहां पर ईश्वर इस व्यक्ति को धीरे धीरे जो है हील भी कर रहे हैं और इसे सही मार्ग दिखा रहे हैं। हर्मिट का कार्ड हमेशा ईश्वर द्वारा सही मार्ग दिखाने का जो है एनर्जी होता है, बदलाव के साथ, है ना। धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, पर पहुंचेगा बिल्कुल अपने मंजिल तक ही पहुंचेगा। ये बात तो बिल्कुल जो है
कंफर्म है, कंफर्मेशन वाला कार्ड होता है हर्मिट की। आज भले ही ये व्यक्ति सुस्त है, आज भले ही ये व्यक्ति देर कर रहा है, पर जब ये पहुंचेगा ना तो बस अपने मंजिल पर पहुंचेगा, और ऐसे पहुंचेगा कि फिर कभी जो है वापस नहीं आ पाएगा, और ये फर्स्ट होकर ही रहेगा, ये जीत कर ही रहेगा। ठीक है, तो अच्छा जो है इसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा है। एक और देखते हैं, सिक्स ऑफ एयर का कार्ड आया है, और सिक्स ऑफ एयर का मतलब भी वही होता है ना कि मैंने आपसे ये कहा था कि जब मैंने कैंडल वैक्स किया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि दो बार मैंने देखा कि एक में तो एक व्यक्ति है जो एक कदम उसका मतलब इस तरीके का कदम दिखा था मुझे ना कि एक व्यक्ति है जिसका एक कदम आगे की तरफ है और पीछे की तरफ है, यानी कि कोई मूवमेंट है, ऐसा दिखा था मुझे कि कोई व्यक्ति है जो कदम चला आगे बढ़ा रहा है। और जो दूसरा इमेज दिखा था उसमें मुझे बाइक दिखा था, स्कूटर का इमेज दिखा था, तो जो दोनों ही एक्शन को दिखाता है कि कोई है जो एक जगह से जगह ट्रेवल कर रहा है, वही कार्ड यहां पर देखो आपको दिख जाएगा। सिक्स ऑफ एयर, सिक्स ऑफ एयर का मतलब भी होता है ट्रेवल करना, शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना है ना, चाहे इस व्यक्ति का भाग्य बदलता है या इस व्यक्ति का डिसीजन बदलता है या इस व्यक्ति का रुख आपकी तरफ होता है या ये व्यक्ति आपसे बहुत दूर है तो दूरी को मिटाना है ना, ये व्यक्ति आपसे इतना दूर गया है जहां से वापसी की उम्मीद नहीं है तो भी ये व्यक्ति वापस आएगा है ना, जो भी उलझन है, जो भी समस्या है, थर्ड पार्टी ये वो जो भी है अकड़म बकड़म आप दोनों के रिलेशनशिप में, तमाम चीजों को जो है ये व्यक्ति अपनी मुट्ठी में करके, अपने काबू में करके, अपने बस में करके जो है वापस जो है आ रहा है। तो ये व्यक्ति ऐसा जो दिखा था वो सेम टू सेम चीज मुझे यहाँ पर सिक्स ऑफ एयर ने भी दिखा दिया है कि इस व्यक्ति की वापसी कहीं ना कहीं जो है नजर आ रही है, ये कैसे भी आए पर आएगा है ना, इसके आने का एक मकसद है और वो मकसद है आपके प्यार को पाना। क्यों पाना? क्योंकि इस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, ये प्यार, इस प्यार में ठहराव है, इस प्यार में डेडिकेशन है, इस प्यार में बिल्कुल प्योरिटी है, पवित्र प्यार है ना, और ऐसा प्यार इस व्यक्ति को कहीं ढूंढने मतलब चिराग जलाकर अगर जो ये व्यक्ति अगर ढूंढेगा भी ना, आपके जैसा मासूम, आपके जैसा सच्चा प्यार इस व्यक्ति को मिल नहीं सकता। ये बात तो इस व्यक्ति को बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है गाइस, 100% पता है दैट नो वन कैन लव दिस पर्सन मोर देन यू लव है ना, आपकी आपने जितना प्यार किया है इस व्यक्ति को, इसे वो प्यार कभी किसी से नहीं मिलेगा, ये तो इस व्यक्ति को बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब रुक करते हैं यूनिवर्स के इस डेक से क्या दिखता है हमें। लुक एट दिस, एडवेंचर का कार्ड आ गया है। बिल्कुल इंसान चाहे जितना भी है ना अपने आप को अलग रखने की कोशिश करे, इंसान चाहे जितना भी दूर होने की कोशिश करे, भागने की कोशिश करे, सच को देखने की कोशिश ना करे, पर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है ना जब इंसान के सामने सच्चाई आ जाती है, जब इंसान को सच दिखने लगता है ना, वही चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ हुआ है कि ये व्यक्ति हमेशा हमेशा जो है भ्रम में ही जिया है, भ्रम में रहा है, इल्यूजन में रहा है, सच जानते हुए भी जो है झूठ का साथ देकर ये व्यक्ति कभी ना कभी गलत फैसले लेकर व्यक्ति गया है, ऐसा दिखा है, पर लौटने की एनर्जी होती है। और मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि जब हर्मिट से इंसान निकलेगा तो धीरे निकलेगा है ना, कदम फूक फूक कर चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता डिसीजंस लेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे बढ़ेगा, पर जब बढ़ेगा तो वो फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ही पहुंचेगा, अपने आखिरी मंजिल तक ही वो पहुंच कर दम लेगा है ना, और जीतेगा भी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि व्यक्ति जो है बहुत थक हार कर दुनिया घूम कर, दुनिया के दस्तूर को पहचान कर, दुनिया के लोगों का चेहरा देख कर, लास्ट में ये उजाले की तरफ ही आया है, इंद्रधनुष की तरफ आया है। और इंद्रधनुष का मतलब भी होता है लव, रेनबो का मतलब भी होता है लव, सात रंग, सात कलर, बहुत सारी चीज़ों को जो है बताती है। तो ये ऐसा ही इस व्यक्ति का जर्नी रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं है ना, इंसान कभी कभी चला जाता है पर वापस लौट कर आता है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है गाइस। नंबर 11 यानी कि हमारे रीडिंग में बिल्कुल एंजल्स प्रकट हो चुकी है, और ये कार्ड बता रहा है कि ब्रेक थ्रू, यानी कि जो सफ़र चलते चलते ये इस व्यक्ति के सामने जितना भी बड़ा गड्ढा आया है, जितनी बड़ी रुकावट आई है, जितना भी बड़ा संकट क्यों ना आया हो है ना, ये उसे पार नहीं कर पाया, पर पार करेगा ज़रूर, क्योंकि जब ईश्वर का, एंजल का ही हाथ उन किसी इंसान के सर पर पड़ जाए ना, फिर उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। वही एक ऐसी ताकत होती है, एनर्जी होती है ना, जिससे इंसान निकल पाता है
है ना, आप सपोर्ट करना चाहो अपने पर्सन को, चाहे आप जितना समझाने की कोशिश कर लो, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे इस व्यक्ति को वो रास्ता नहीं मिलेगा। और वो रास्ता यहाँ पर यानी कि आज़ादी का है ना, रास्ता ढूंढने का, रास्ता बनाने का काम जो है यहाँ पर एंजल्स ने किया है। और ये व्यक्ति जरूर जो है अपनी हर समस्या से आज़ाद यहाँ पर हो रहा है। आई नीड सिक्योरिटी, कुछ चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति अपने आप को शायद मजबूत बना रहा है, पैसों से सिक्योर होना चाह रहा है, फैमिली से सिक्योर होना चाह रहा है, फैमिली के साथ या फिर अपने अपना जो लाइफ का जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें शायद सिक्योर इसको नज़र नहीं आता, थोड़ा सा डर नज़र आता है, शायद कुछ लोगों को जान का खतरा है या कुछ रिलेशनशिप में जो है थोड़ी अड़चने हैं, है ना, शायद आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है, इसलिए ये व्यक्ति कुछ अपना अपना मुकाम मजबूत बना रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है और सिक्योरिटी ये व्यक्ति चाह रहा है ताकि आपको भी कोई आँच ना आए, इन पर भी कोई आँच ना आए, आप दोनों के रिश्ते पर कोई आँच ना आए। शायद इसी वजह से थोड़ी सी इसने डिस्टेंस बनाई थी, क्योंकि जिसे वो प्यार करेगा वो नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से अपने प्यार पर जो है थोड़ा सा भी खरोच आए या आँच आए या आपकी बदनामी हो या यू नो रिश्ते की बदनामी हो। तो थोड़ा सा डर का माहौल तो दिखा है यहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बना रहा है। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। हमेशा ये व्यक्ति इसी उलझन में, इसी तड़प में रहता है कि ये आ व्यक्ति कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि वो प्यार नहीं है गाइस, वो प्यार इस व्यक्ति को इस दुनिया में कहीं से मिलेगा नहीं, ये सोच भी नहीं सकता कि किसी और के प्यार को हासिल कर ले, आपको भूल जाए, है ना। ये इसके लिए आपको खोने का सपना भी जो है इस व्यक्ति को डरा जाता है। स्केर्ड का मतलब क्या होता है? डरना। लूजिंग यू मतलब तुम्हें खोना, तुम्हें खोने से मैं हमेशा डरता हूँ। I get nervous to call you. I don't want you to ignore me. तो ये कह रहे हैं कि हमेशा मैं नर्वस हो जाता हूँ, डर जाता हूँ तुम्हें फ़ोन करूँ ना करूँ, करूँ तो तुम फिर क्या बोल दोगी, करूँ तो तुम फिर मेरी जो है इज्जत उछाल दोगी, करूँ तो तुम फिर मुझे बहुत सारी गालियाँ सुना दोगे या तुम मुझे जो है बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली बातें बोल दोगी, तो मुझे नर्वसनेस होती है तुम्हें कॉल करने में। ऐसा थोड़ी है कि मन नहीं होता, मन तो कितना होता है कि बात कर लो एक बार, पर तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम क्या बोल दोगे, तुम मुझे मेरे साथ कैसे बिहेव करोगे, तुम मुझे जो है इग्नोर कर दोगे, इन सारी चीज़ों से मैं डर जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। You are the light of my life, ये बहुत बड़ी बात कर दी। नंबर 23 की एनर्जी आई है, आप मेरे जीवन का उजाला हो, जो उजाला भी नहीं है। देखो यहाँ पर हर्मिट क्या होता है, हर्मिट तो अंधेरी एनर्जी होती है, अंधेरे में उजाला दिखाने वाली एनर्जी होती है कि कोई व्यक्ति है जो टोटल अंधेरे में है, होप खो चुका है, जीवन जीना नहीं चाह रहा, जीवन से जीवन को त्यागना चाह रहा है ना। तो ऐसे में जो है ईश्वर का एक लाइट होता है कि ईश्वर छोटी सी रोशनी दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से सब अंधेरा नहीं गया है, अभी भी रोशनी बाकी है, तुम बस उस रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ो। तो ये व्यक्ति आपको अपने जीवन का वही उजाला, वही लाइट है ना, सोचता है कि तुमने ही तो हमेशा हर पल रास्ता दिखाया है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई जो है जीवन में कोई उद्देश्य या जीवन में कुछ है ही नहीं। और आज ये लाइट नहीं है तो ये व्यक्ति गया है हर्मिट में, और बहुत बड़ी बात कह दी है इस व्यक्ति ने, यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग का कार्ड आया है, जो हमेशा जीवन के उतार चढ़ाव को, जीवन में दर्द तकलीफ़ का आना, जीवन में खुशियों का आना, कभी जीवन जो है बहुत खुशहाल इंद्रधनुषी रंग की तरह हो जाती है, तो कभी जीवन अमावस्या की रात की तरह काली पड़ जाती है। तो जीवन का ये एक दस्तूर है, ऐसे ही जीवन जिया जाता है, कभी ठोकर मिलेगी, कभी अनुभव मिलेंगे, कभी दर्द होगा, तो कभी हम उस दर्द से निकल भी जाएंगे, हीलिंग है ना। तो ये एक
कहीं ना कहीं ये कर्मा या पास्ट लाइफ की बात ईश्वर ने कही है कि जो भी हो रहा है वो अनुभव बटोरने के लिए और जीवन में सबक सीखने के लिए ही हो रहा है। आपसे एक जो है मैसेज आया है जो कई बार आता है रीडिंग में, और सेल्फ लव यानी कि खुद को प्यार करना, खुद को समझना, खुद को ज़्यादा वैल्यू देना है ना। पहले खुद को वैल्यू दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद से नफरत मत कीजिए, नफरत पालकर मत बैठिए। तो जिस दिन आप अपने आप को सबसे ऊपर रखोगे ना, फिर किसी के मजाल नहीं है कि वो आकर आपकी धजियाँ उड़ाए, वो आपकी आकर डिसरिस्पेक्ट करे, वो आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे आपके मन के साथ, क्योंकि आपने तो अपने आप को प्रायोरिटी दे रखी है। तो कोई कैसे आकर आपको आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है या आपके भावनाओं के साथ खेल सकता है। इसीलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है, ईश्वर ये कह रहे हैं। चलिए इस मिनी डेक से एक मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आता है। बीवेयर ऑफ डिसऑनेस्टी और डिसीट, अवॉइड ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एट दिस टाइम। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा मैसेज है ना आया है। मुझे लग रहा है कि कोई है जो आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो अभी आपके साथ है पर वो आपके साथ लॉयल नहीं है। अवॉइड ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एट दिस टाइम, इस समय, इस करंट समय पर है ना। आपके पर्सन ने भी किया होगा आपके साथ, ये जो भी किया है दर्द आपको दिया भी होगा, पर उसकी अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर चल रही है, उसकी अच्छी खासी क्लास यहाँ पर हर्मिट लगा रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ, अगर आप किसी के साथ संपर्क में हो, आप किसी पर बहुत, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे आपके रिश्ते में कोई क्यों ना हो, चाहे आपके पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे आपके वेल विशर क्यों ना हो, चाहे आपके स्कूल कॉलेज या आपके वर्क प्लेस में क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत नजदीक हो, जिस पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, आंखें बंद करके आप जो है धड़ल्ले से भरोसा कर रहे हो, तो ये सतर्क होने का समय है गाइस। आप किसी पर अंधा ट्रस्ट मत कीजिए, और किसी को भी एक्सेप्ट करने से पहले, यानी कि किसी के किसी बात को भी एक्सेप्ट करने से पहले है ना, आपको सोचना है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा डिसहोनेस्टी ला सकता है। आप पहले ही एक बार दर्द का शिकार हो चुके हो, आप पहले भी एक बार जो है प्यार से दूर हो चुके हो, पर ये बात मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत या प्यार करने वाले पर्सन के बारे में मैं नहीं कह रही। अभी का समय अनुकूल नहीं है किसी पर ट्रस्ट करना, अभी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए सही नहीं है। तो ये वक्त व्यक्ति भी, इनफैक्ट ये व्यक्ति भी है ना, अगर आपके पास ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि यहाँ पर सभी के सब, सभी जो एनर्जी है वो दूध की धुली एनर्जी नहीं आई है, यहाँ पर उस व्यक्ति की एनर्जी आई है जो हर्मिट में है, यानी कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, जो व्यक्ति सुधर रहा है, सुधरना चाह रहा है, जिस व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास हो चुका है। ऐसे लोग तो 100% तो होंगे नहीं ना जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर। सभी के पर्सन अभी हर्मिट में नहीं है, कुछ लोग चालाकी भी कर सकते हैं, आपके पास आकर आपके साथ फिर से जो है आपका ट्रस्ट ब्रेक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और सिर्फ सिर्फ हम सफ़र या लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं, एनी पीपल, एनी पर्सन जो आपके साथ कांटेक्ट में है, आपके कलीग है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्ते में है ना, मैं इतना कहूँगी कि माँ बाप के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचिए, उनके प्रपोजल को भरोसा करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि ये समय अभी आपका थोड़ा सा सही नहीं है। समझ गए? तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। जो गाइडेंस निकल कर आई है उसे फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। इतना कहते हैं, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज़।